नमस्कार, मैं आनंद राम, सभी म्यूज़िक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर। इसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और मेरे पास कई सारे सवाल आए थे कि सर, बैंजो को कराओके के साथ हम लोग कैसे प्ले करें, कराओके के साथ हम लोग कैसे बजाएं गाने को। तो ये सवाल का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। पूरा स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमको चीज़ें करनी होती है, कराओके के साथ किस तरीके से बैंजो को हमको प्ले करना होता है। तो अभी आपने ये जो देखा, इसलिए मैंने शुरुआत आज कराओके के साथ ही की है। ये जो कराओके है, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ये जो सॉन्ग है इसका कराओके चल रहा था। अभी मैंने ये गाना बजाया, आप लोगों ने सुना होगा। तो कराओके के साथ यदि आपको बजाना है, और अक्सर आपने देखा होगा कई सारी रील्स में, मैं खुद भी रील्स बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहता है और बैंजो, मतलब जो गाने वाले की जो आवाज़ होती है वहाँ पर बैंजो बजता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कराओके बोलते हैं। कराओके मतलब कि केवल सिंगर का जो आवाज़ है वो हट गया है और बाकी जो पूरा म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सेम एज इट इज़ वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कराओके। तो अब कराओके के साथ बैंजो किस तरीके से बजाना है, ये आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जो तार है, बैंजो का तार, वो मैंने मिला रखा है बी नोट पर। तो बी नोट पर बैंजो को मिला रखा है, तो ये जो मेरा स्वर है ये मेरा बन रहा है ई नोट, मतलब कि ढाई। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे, बाकी फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना दिमाग वहाँ पर लगाना है। तो अभी ई नोट पर हमारा ये है और बी पर हमारा खाली तार हमने मिला करके रखा है। तो अब हमारे जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग आ जाते हैं कि कराओके के साथ किस तरीके से हम लोग बैंजो को बजाएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कौन सा गाना बजाना चाहते हो। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम कौन सा गाना बजाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल मैं इसी गाने को लेकर के चलता हूँ। हम लोग ने सोचा, हमारे दिमाग में आया कि ये वाला गाना मैं बजाऊंगा कराओके पे। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ये गाना मुझे बजाना है कराओके में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे उस गाने को सुनना पड़ेगा और वो गाना मेरा तैयार होना चाहिए। वो उसका ओरिजिनल पिच कहीं से भी तैयार हो, बट वो गाना मेरा सुना हुआ रहना चाहिए, वो गाना मेरा तैयार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, गाना आपने तैयार किया तो अब आपको ये पता होना चाहिए उस गाने का जो पिच है वो क्या है, मतलब उस गाने का जो सा है वो क्या बन रहा है। तो अभी ये जो कराओके है इसके हिसाब से, मतलब ये जो गाना है ये एफ शार्प नोट पर आ रहा है, मतलब कि इसका जो सा बन रहा है वो काली तीन बन रहा है। ये सुन करके चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बजा रहा था तो हारमोनियम पर देखते हैं, सा आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, सा इसका ये बन रहा है। तो वो गाने को सुन करके हमको मैच करना पड़ता है, गाना कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर ठहराव दे रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे सा पहचाने गाने का। ठीक है, तो हालांकि वो ट्यूनिंग समझ में आ जाती है जब हम लोग कहीं पर हम भजन गाने जाते हैं या कुछ कोई भी भजन गाता है, तो जो सुर चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली दिमाग में रहता है, और जो सिंगर रहते हैं जो सीखे हुए नहीं भी रहते हैं वो फिर भी मन में ये गुनगुनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंजो चल रहा है, ये जो हमिंग एक सिंगर करता है इसी को हम लोग सा बांधते हैं। ठीक है ना, तो यही सा होता है। तो जैसे वो गाना चल रहा है वो गाना कहाँ पर रुक रहा है, कोई सा भी पीच से मान लो वो गाना, आँख है भरी भरी ओ, ये भी मैं उस सुर से नहीं गा रहा हूँ, दूसरे सुर से गा रहा हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा और फिर मैच करना पड़ेगा।
ये मैच हो रहा है यहाँ पर। अब मुझे देखना पड़ेगा ये बी है, अभी ये बी बन रखा है तो ये सी, सी शार्प, सॉरी ये ई है, एफ, एफ शार्प और जी नोट पे आ रहा है। तो मेरा अभी मैंने जिस हिसाब से गाया उस हिसाब से मुझे सा कौन सा मिला, ये मिला। तो ये जो गाना है, अब कोई भी गाना हो उस गाने को हमको इस तरीके से सुनना होता है, उसका सा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना मेरा सुना हुआ है, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने के बाद, पहले तो ये सुना होना चाहिए, इसको अच्छे से हमको तैयार करना होता है। अब जब कराओके हमको बजाना है तो हम लोग यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं, किसी भी गाने का आप नाम ले लीजिए, जैसे आँख है भरी भरी कराओके, बस इतना आपको लिख देना है, कराओके, के ए आर ए ओ के ई, कराओके, सही बोला ना मैंने स्पेलिंग, कराओके, ठीक है। तो ये कराओके की स्पेलिंग है, तो कोई भी गाना है उस गाने का नाम लिख दीजिए और उसके आगे आपको कराओके लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सारे म्यूज़िक यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर आप इसको थोड़ा जूम करिए, ये मैंने यूट्यूब पर सर्च कर रखा है, ऐसे ही शॉर्ट वगैरह जो मैं बनाता हूँ या जो दूसरे लोग भी बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं, ये देखिए। ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये म्यूजिक चलता रहेगा। हरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, अब ये म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कराओके। अब इसके साथ कैसे बजाना है, तो सबसे पहली चीज, अब ये कराओके को सुनकर, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ओरिजिनल गाना होता है उसका जो सा रहता है और कराओके जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, उसका जो सा है वो अलग रहता है, ठीक है। तो वो भी हमको फिर मैच करना होता है कराओके के हिसाब से। तो अभी कराओके जो चल रहा है उसके हिसाब से अब ये सुन रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में सा आएगा, ये चल रहा है ऑटोमेटिकली, वो चीज आ जाती है दिमाग में, हमिंग। तो मैं यहाँ पर मैच करूंगा, तो ये कौन सा बन रहा है मेरा, ये वाला नोट, मतलब कि ई एफ और एफ शार्प, मतलब कि काली तीन। अब मैंने यदि 12 ही सुर से रियाज किया होगा तो मैं कहीं से भी इसको प्ले कर दूंगा, जैसे यहां से मुझे प्ले करना है तो मैं इसको यहीं से प्ले कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, जो एफ शार्प नोट है उसको हम लोग कहाँ पर लेकर आएंगे, काली पांच पे, और काली पांच पे लाने के लिए हमको बेंजो के तार को सी शार्प पर मिलाना पड़ेगा, तो सी शार्प मिलाएंगे तो काली चार हमारा कहाँ जा, सॉरी काली तीन जो है हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बट अभी काली तीन मैं यहीं से इसको बजा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको वो गाने का जो म्यूज़िक है वो भी थोड़ा बहुत सुना हुआ रहना चाहिए, नहीं भी सुना है तो उसमें चलता रहता है, जहाँ जैसे वाइट कलर का ये जो दिख रहा है, एक बार इसको जूम करो, ये इंट्रो दिखाई दे रहा होगा, वो जो ब्लू कलर में लाइन दिख रही है यहाँ से हमको सिंगिंग शुरू करनी होती है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं चलाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अब जैसे ये 4-3-2-1 लिखा हुआ आ रहा है, बस ये जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद ये म्यूजिक है, मेन म्यूजिक, बस यहाँ से फिर हम लोग शुरू करते हैं, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, यहाँ से रिदम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग इसको प्ले करते हैं और इसको फिर हम लोग बजाते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे कराओके का जो सा मिला कहाँ पर मिला, यहाँ। तो यदि मैंने सभी दूर से इसको रियाज किया होगा तो मैं इस गाने को यहीं से बजा दूंगा, वो कहीं से भेजा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से मान लो,
और किसी दूसरे के सुर पे यदि आ जाए। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया मान लो, तो क्या होता है चीज़ें धीरे 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 आपका नॉलेज बढ़ता है, आप सीखते हैं, आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है, तो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे होने लगती है। पहले मैं भी सारे पिच से नहीं बजा पाता था, बट करता रहा, गलतियाँ हुई सीखा, फिर गलतियाँ हुई फिर सीखा, तो धीरे धीरे चीज़ें फिर आसान होने लगती है। तो समझ में आ गया आपको कराओके के साथ किस तरीके से बजाना होता है। तो पहले तो हमको जो कराओके का जो मेन जो गाने का जो सा है वो हमको पकड़ना पड़ता है, और फिर गाने आप बढ़िया चलाइए मोबाइल में और आपका यहाँ पर आप रिकॉर्ड करिए। इसके अलावा आप चीज़ें जानना चाहते हैं तो जो मेरे बैकग्राउंड की जो चीज़ें रहती है, किस तरीके से मैं शूटिंग करता हूँ और क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे स्टूडियो में, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ कर रखी है, तो उसके लिए आपको मेरा जो चैनल का जो मेंबरशिप है वो मैंने ऑन कर रखा है। ज्वाइन बटन आपको नज़र आएगा, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, और वहाँ पर मैं सारे बिहाइंड द सीन की जो चीज़ें रहती है प्लस पर्सनली जो रियाज रहता है, जो कि ना तो यूट्यूब पर होता है ना मेरे कोर्स में होता है, इसके अलावा बिहाइंड द सीन किस तरीके से मैं रियाज करता हूँ, किस तरीके से मेरे इक्विपमेंट्स रहते हैं, कैसे शूट होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जानने को मिलेगी। आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुरभि सुर संगम एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये मेरी एप्लीकेशन है सरप्राइज ओपन, ये तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत पुराना है, ये मैंने जब एप्लीकेशन लॉन्च किया था तब का है ये। तो सुरभि सुर संगम ये मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर सुरभि सुर संगम का ऐप मिलेगा, मेरा आइकॉन बेंजो के साथ येलो कलर के बेंजो के साथ आपको नज़र आएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा मेरा बेंजो का जो कोर्स है वो आपको नज़र आएगा, और सारे जो कोर्स है वो मंथली वहाँ पर रहते हैं, मंथली अलग अलग मंथ के अलग अलग पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ पर जा कर के भी अपने बेंजो सीखने की जो यात्रा एकदम बेसिक से आप शुरुआत कर सकते हैं, और एडवांस लेवल तक मैं उस कोर्स को लेकर के जाने वाला हूँ। एप्लीकेशन पर फर्स्ट टाइम बेंजो प्लेयर्स के लिए कोई एप्लीकेशन अलग से बनाएं, ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से और मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव रहा है बेंजो के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ों की बदौलत ये काम संभव हो पा रहा है। तो आप लोग भी बिल्कुल देरी मत करिए और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, पहले का ज़माना नहीं रहा है, ज़माना बदल गया है, और बदलते ज़माने के साथ साथ हम जो लर्निंग की जो चीज़ें हैं या वे ऑफ लर्निंग जो है वो भी बदल गया है, तो उसी के हिसाब से हमको जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और घर बैठे आपको ऑफलाइन जैसा फील मिलेगा। इसके अलावा और कोई डिटेल में जानकारी चाहिए आपको तो मेरा नंबर चल रहा है 8435737494, ये ऑफिशियल नंबर है, हमारे ऑफिस के मेंबर आपसे बात करेंगे, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेंजो ख़रीदना है, बेंजो सीखना है, बेंजो का बैग ख़रीदना है, सारी चीज़ें की जानकारी जो है वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो कराओके पर इसी तरीके से हमको काम करना होता है, एग्जाम्पल मैंने केवल एक गाने के थ्रू आपको दे दिया है, बाकी फिर आपको अलग अलग गानों के हिसाब से चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।